सत्संग सुबह मॉर्निंग का चाय का। मैंने आपको सुबह के कई सत्संग दिए। सत्व वो एक है, संग भी उसका करना है। और वो संग मैंने बता दिया कि मनुष्य के लिए जो सत्संग वो करता है, इसका मतलब कि वो समझ लेता है, बुद्धि लेता है, विचार लेता है, होश करता है। ये होश करता है कि वो कुछ और है। तो मनुष्य को ये बताया जाता है कि तू सुख शांति की जिंदगी गुजार, इस लोक में रहता है, लोक सुखी परलोक सुवेले, नानक गुरु हर पर बेले। ये इसका ग्रंथ साहब का शब्द है कि लोक सुखी परलोक सुवेले, नानक गुरु हर पर बेले। गुरु जो हर कोर पर्व को मेल कर देता है, हर का हर, हर मन हर वो परमात्मा, परम हर गुरु हर पर्व मेल, हर परमात्मा को मिलाता गुरु, मेल कराता है जीव के साथ उसका, यानी सदा के लिए अमर करता है। बात यह है कि वो यहाँ से उसको वो शिक्षा देते हैं जिससे कि वो ले करके दोबारा फिर आए नहीं। शिक्षा लेके उसके ऊपर अमल करके और इस चक्कर 84 के में दोबारा आए नहीं। ये तो सत्संग से क्या मिलेगा? लोक सुखी, इस लोक के अंदर कोई अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ढंग आ जाएगा कि सोचेगा वैसे होगा तो उसका दादा बता देगा कि ऐसे ऐसे तुम इच्छा करो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। होती है, लोगों की इच्छा पूरी होती है, मकान दुकान हाट फेरी बनाते हैं, उनकी इच्छा होती है पूरी हो जाती है, संतान की इच्छा पूरी हो जाती है। यानी जो मनुष्य सोचता है उसके सोच के मुताबिक जाने अनजाने इच्छा पूरी होती रहती है, मनुष्य को पता नहीं। तो मनुष्य को सोच में ज़बरदस्त शक्ति है। यानी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य चीज़ उसके सोच विचार जो सोचता है ना, वो उसमें बड़ी भारी शक्ति है। तो वो सोच जो है उसको, उस सोच को शुद्ध कर देता है गुरु, कि वो सोच अच्छा भी होता है और घटिया भी होता है, विचार अच्छा भी आ जाता है और घटिया भी आ जाता है। कि जो घटिया घटना घटती है देश में या लोक में, वो भी आ जाती है, या आपसे करे या दूसरे का देखा हो या सुना हो पढ़ा हो, वो विचार भी आता है घटिया होता है। तो वो क्या करता है, सोच को शुद्ध करता है। किस में करेगा? सत्संग। कैसे करेगा? वचन बता के। कैसे करेगा? कि जो कमी है वो कमी बताया, भाई इस कमी का दुख है, दुख तो कोई है नहीं, इस कमी का दुख है। अगर समझो जो आदमी बैठे उनकी रेडिएशन आती है उसके ऊपर, और साइंस साबित करती है, तो हर आदमी से रेडिएशन निकलती है बोलता है, और तो सबसे निकलती है, तो वो संगत की रेडिएशन नहीं ग्रहण करता, क्यों? वो न्यूट्रल रहता है। ये क्या करते हैं क्या सोचते हैं, मतलब ये भीतर बुरा नहीं करेगा, तो वो हमेशा के लिए जो मुक्त रहता है। कहता नहीं कि हमेशा ही वो समाधि लगी रहती है, उठते बैठे तो कबू नहीं बिछड़े, ऐसी ताड़ी लगी, तो वो उसके सोच अपना सोच तक मस्त रहता है। और दूसरों की सोच को आँख खोलता है तो सोच उसके ऊपर आके असर करते हैं विचार, और उसके मुँह से वही बात निकलती रहती है। वो क्या बात निकलेगी? कामी है तो निकलेगी, भाई काम ज़्यादा भोगने से बीमारी तकलीफ आती है, और ये होता है भाई समाज साधन में ज़्यादा साधन की अवस्था में काम नहीं भोगना चाहिए बिल्कुल आदमी को, नहीं तो वो शक्ति निकल जाती है। तो वो उनसे मुझसे कब निकलेगी? जब उनमें से कोई काम से दुखी है उनके लिए, और कोई हेरा फेरी करता है तो ये निकलेगी, भाई हमें जहाँ रहते हैं हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, हेरा फेरी का दंड मिलता है। तो क्या वो सोच सोच के आता है? नहीं, ऑटोमेटिक उसके मुँह से ये बात निकलेगी। क्यों निकलेगी? कब उनकी रेडिएशन से, उनकी रेडिएशन उस पर पड़ेगी और उसके मुँह से वही बात निकलेगी। यानी मुक्त होता है वो। मुक्त का मतलब किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, नहीं किसी आश्रम से बंधा हुआ, नहीं किसी पंथ से बंधा हुआ है, नहीं किसी कुछ। तो गुरु मुक्त जो है खुद है, सब मान्यता के राजी है, कुछ भी नहीं मान्यता। आदमी शक्ति आदमी वाली पागल बड़ा फिर है, उसको ज्ञान होता है कि शक्ति आदमी में है, और उसको पता नहीं बोलता वाला जी महाराज करते हैं, गुरु जी महाराज मेरा ये करते हैं, मेरा ये करते हैं, ये करते हैं, इष्ट द्वारा क्या कोई, तो इष्ट उसने बढ़ाया हुआ है, इष्ट बाहर से नहीं आता है। इष्ट का मालिक बड़ा जन्मदाता कौन है? भगत है, जिसमें बारह क्या है, हाँ वो खुद है। और इसका इसको पता नहीं है, मनुष्य को इस बात का पता नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कि मेरे विचार में शक्ति है ज़बरदस्त। और वो शक्ति कम अगर है तो कम है तो क्या करेंगे कि हम किसी की सत्संग की बात को समझ नहीं सकेंगे। वो शक्ति कम है तो समझ नहीं सकेंगे, तो उसके लिए क्या क्या साधन कराया जाता है, मन को रोका जाता है ताकि उसको सुनने की आदत पड़ जाए, वो ध्यान से सत्संग को सुन ले। इस आदत को बढ़ाने के लिए ये साधन कराए जाते हैं। ये लोग बैठे हैं दो दो तीन तीन घंटे तक, ये कौन है? जैसे मैं पहले बता, वो
कौन दिन का ब्रह्मचारी बिगड़ा हुआ है, दो तीन घंटे बैठेगा अभी क्या मतलब है, कभी व्यर्थ दिन को शांति मिल जाती है। देखिए कोई योग निद्रा में चला जाता है और कोई कोई अंदर रूप इष्ट आता है, इसके साथ वो चक्कर लगाता रहता है, वो मन को शांति मिलती है। तो ज़्यादा जरूरत नहीं इसके करने की, क्यों बात तो मंजिल तय करने की, आगे जाने की है, बात तो वहाँ पहुँचने की है जहाँ राम रहीम करीम ने केसो अल्लाह रसूल खुदा नहीं होते, पीर मुरीद दादा पोते कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जो कुछ था सो अब कह भाकू उन मुनसुन विश्वास भी रखूँ, बात तो उसके जाना जहाँ कुछ भी नहीं है। तो पहले उसको जो रामदान का मतलब ये है कि गुरु एक संस्कार देता है और वो संस्कार अंदर फुरता है और वो फुलने से क्या होती है, सूरत की अटेंशन उसके साथ लग जाती है, तो अटेंशन उसको खींचती रहती है ऊपरी या सूरत है या फैली हुई पूरे शरीर के अंदर। तो पहले इसको फैलने को शुरू से निकालने के लिए पहले तो लोग कुंडलियाँ करते थे, सीधी आ जाती थी, और फिर ये जो गुरु है उनको कह रहे भाई सदा के लिए इधर आना जाना तो दुख रहेगा, करोड़पति बन जाओ तो तुम तो जिससे ये न हो आना जाना, तो फिर ये सोच दीजिएगा कि तुम सदा के लिए जैसे व्यास जी ने कहा कि तुम सदा के लिए बोल जाओ ना, जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए साधन ये कहा जाता है ताकि सूरत पहले उसको तेरे नाम रहे चौथे पद, चौथा पद का मतलब पहले सूरत को खींच के शरीर से और इधर ले आओ तीनों आँखों के बीच में, इसको सहस्त्राकार कहते हैं, मन यहाँ रहता है, इधर ले आओ, इधर जैसे सूरत इधर आ जाती है इकट्ठी हो जाती है, शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, एक पद में चीज थी या पहला पद चले गए क्या हो गया, ध्यान बन गया, पहले पद में ध्यान बन गया, शरीर का ख्याल छूट गया, अब शरीर के ऊपर चाहे मकड़ी आओ चाहे कुछ आओ कुछ पर ख्याल नहीं, और फिर जो रूप बनता रहता है रूप के अंदर खेलेगा कई दिन, रूप आता रहेगा, निधियाँ सीधियाँ मिल जाएंगी, ले पर साथ ले ले तेरा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लोग मुझे देता रहता है नाता बढ़ जाता है, और इसमें उड़ गया तो ठीक है, इसको भी उड़ दिन कोई गुरु निकाले मुझे देखता कि है सीधी आ गई इसमें, और यहाँ तक फिर मन की हालत देख लेता, शरीर की हालत देख लेता, जैसे कंडीशन देखता है डॉक्टर वैसे ऐसे वो देख करके फिर उसको कहता है ये तो तू बुलाता है, इसके पीछे क्यों चक्कर लगा रहा है, किसी सत्य देता बोला जब तुसी गुरु की दाढ़ी देखते हो केस देखते हो दाढ़ी देखते हो तो तुसी दूरी से कितने गए लाल सिंह, वो दूरी से कितने वो चीज़ अलग है तो अलग हो, कभी राय का माता दूरी को दूर कर दे, दूरी को दूर करने के लिए मतलब यह है कि फौर आप उस अवस्था में जाए आप उसमें सिमट जाए उम्र चले, तो उनको बताता है ये मंजिल नहीं है तो तू बढ़ाता है, बाहर से न तो कोई गुरु आता है न कोई देवी आती है न कोई देवता आता है, वो खुद अनुभवी है रोज देखता, वो कहता है मेरा रूप जाता मैं तो जाता नहीं कहीं, जैसे मैं कहता हूँ तो नहीं जाता, पर यह कहने वाला कौन कि जिसने डेरा अपनी गर्ज के लिए बढ़ाया वो सच्ची बताएगा नहीं, जिसने कोई पंथ चलाया वो पंथ के बंद हुआ है, पंथ का बंदा होगा, मैं आर्य समाजी हूँ रात नहीं, हम तो अधिनकारी हैं अकाली मत, वो बंद गया पंथ के, तो उससे मुक्त गुरु कर करे किसके पंथ किसके ग्रंथ, सब ग्रंथ पंथ छुड़ा करके मेरा ईश्वर में ब्रह्मन का वजन है कि मेरा ईश्वर में मन जोड़ दिया रे, ग्रंथ और पंथ छुटा दिए मेरे, तो पंथ से बंद रहेगा तो पंथ से आगे नहीं जा सकता अभी बंदे आवा इधर से बधे तो गाडे बंद रहे ना, उससे छुटाने के लिए वो कहता है तो तू मुड़क पैदा करता देवी को नहीं आती बाहर से, नहीं मैं आता हूँ तो मेरा ध्यान करता माता नहीं हूँ तू मुड़ाता है तो शक्ति तेरे में, तो इसको छोड़ तू इसी उड़ जा रहेगा, यहाँ उड़ जा रहेगा बीच के अंदर तेरी मंजिल आ गया, तो उसको आगे का साधन बताता है, तो आगे का साधन जैसे जम मारेगा वो तो प्रकाश में चला जाएगा, ब्राह्मण और प्रकाश ओम भरव पहले स्वभे तुरंग का प्रकाश आता है, ओम भरव स्वय तत्व से धीमे ही धीमे उस प्रकाश में जाता है, तो बिल्कुल से उसकी बुद्धि क्या होती है कि इधर का विचार सब छूट जाते हैं, कोई संकल्प विकल्प आता नहीं यहाँ पर, चित्रकुटी से ऊपर का दम पे और यहाँ पर विशेष प्रकाश के शिवा कुछ और खुश रहता है, मस्ती खुशी देखता है, तब फिर वो और आगे से अपने आप ही उससे चलता है, प्रकाश के आगे से आनंद है, आनंद की अवस्था आई आनंद से आगे चलता था, आगे चलता तो हो बड़े भारी लोग नजर आते हैं और इधर शहर से साठी लोग निवासा हंस करेगा परमानंदा सदा विलास त्रास नहीं कबू और कर दुख कलेश का नाम नहीं था ये वो ये कबू तो कुछ नहीं तो अब तो इन्होंने शिवा प्रकाश के कुछ है ही नहीं, एक एक में कहाँ विचार, तो हंस रहे वो जो है ना छोटी छोटी मक्खियों की तरह से छोटे छोटे हंसे वो आन देते प्रकाश का, प्रकाश को देखिए जीते प्रकाश के चारों तरफ उनका ये लोक अलग है, किसी का कुछ कई तरह की लीला उधर है, सतलोक की लीला बताता हूँ, तो लीला मुड़ जाएगा वो तो भाया सही रहेगा, आज जो लीला गुरु मिले गुरु कहेगा क्या करते हो, फिर वैसे आजकल मस्ती रहते हैं बैठे बस ध्यान में,
सत्संग बैठे प्रकाश में खेलते हैं, मान देते हैं। वो कहता है ये तो तुम्हारा आनंद का स्थान है, जब से साथ ठीक ठीक है आनंद आएगा तो तुम तो खुशी होगी, और जब से आनंद नहीं आएगा परेशान हो जाओगे। तो इसको छोड़ो, तुम्हारा मुकाम आगे, अब आगे यहाँ सतलोक से आगे छुटाएगा। वो सतलोक का जो आनंद दे रहा है उसको कहेगा ये तेरे तू देता है, जैसे तंदुरुस्त याद है श्री तो देगा, कल नहीं देगा, ये परमानेंट चीज़ नहीं है, ये तो तू सही से अनुभव होता तेरे देखता, तो तेरा घर आ गया है जहाँ से तुझसे फिर उठान नहीं होगा। तो फिर वो आगे उसका दम, आगे का दम मतलब सतलोक को छोड़ता तो आगे जो बच्चा का ताड़वा टिप टिप करता है उसका स्थान का नाम समझाने के लिए अलग रखा हुआ है। नाम नो कुछ है देखो ऑर्गन है उधर, ऑर्गन तो बार में इसलिए बताता हूँ कि बच्चा ताड़वा टिप टिप कर रहा है ताकि लोग समझ जाएं कि सतलोक को छोड़ के वहाँ तक आएगा, हर पुरुष का होया जा रहा तो वहाँ पर क्या होगा, हर लोक में चौकी डाला तो वहाँ पर जाते उसको सुरत है जो एक टोन आएगी राम नाम की धुन, वो धुन को पकड़ लेगी और धुन लेती, फिर बाद में दो और चांद रोशनी की लीला लला कुछ नहीं, केवल वह धुन है, वो धुन लेके चलता रहेगा आगे की तरफ। तो इस पूरे सफर का नाम अगम है, अलग पुरुष से लेकर के और चोटी तक का साधन जो है इसको अगम, अगम पुरुष का स्थान बताया इसको, अगम लोक में चौकी डाला। तो वो लोक का आदमी को नहीं वहाँ पर, वो कोई प्रकाश का जो स्थान है वो हंस है वो तेरे वाला। तो उधर से फिर वो आहिस्ते आहिस्ते शुरू चलेगी तो उसकी क्या है, इतने साधन से टोटल समता बन जाएगी। ये साधन करने से मौन है, चुप है, कोई हलचल नहीं है, कोई लीला नहीं है, कोई कुछ देखने वाला नहीं, सिर्फ एक सुनती है, धुन सुनती है और वो धुन को आनंद से देखता अनुभव करता रहता है। इसका नाम है नाम, इसका नाम है सतनाम। सुनने वाली चीज़ जो अंदर साथ मिक्स है वो और साथ ही वो धुन आ रही है, पर यहाँ पर दुई है, सुनने वाली और है आप और है। तो कबीरा इसका माता दुई को दूर कर दे, दुई को दूर कब होगी, जब सुनते 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 आज तक वो सफ़र करते करते चोटी के पास आ जाएगी, उस वक्त आपकी वो हालत हो जाएगी जैसे आप करीरी में जाते हो, इन तो शब्द रहेगा न सुनने वाली चीज़ रहेगी, कुछ नहीं रहेगा वहाँ। जहाँ पर जो अवस्था थी जीव की वो वहाँ पर वो उसमें मर्द हो जाएगी, उसको होश नहीं लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो बूंद पानी में मिल जाएगी, वो किरण जो है प्रकाश में मिल जाएगी, न वो किरण है न वो बूंद है, ऐसा चेतनता का वो रहे चेतनता रहेगी नहीं, चेतनता उधर वाकई जाके उसमें मर्द हो जाएगी, उसमें कुल मालिक में कितनी देर जितनी देर वो गरी दिन में फिर प्राकृतिक तरीके से तो नींद भी उठता है और प्राकृतिक तरीके से अभ्यास से उठता है, ये प्राकृतिक तरीका कोई उसके बस की बात नहीं, इतनी देर रहेगी कोई नहीं, उसके बस की बात ही नहीं कुछ है। जब वो उसकी शरण में चला गया, जब केरी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे, भी नींद से उठा तो अपना हाथ हुआ ये कद उठा नींद में, जितने सोरे कोई चार घंटा सो लेता, कोई चार पाँच सो लेता, कोई वो छः सो लेता लगे सर उठा भाई उठा कोई तू सही सो रहे मतलब गहरी नींद में जैसे रहता इस तरह से तैयारी, और वो इसकी कोई हिम्मत नहीं है कोई ताकत नहीं, उस टाइम वो शरीर में जैसे बैठा है तो बैठा ही रहेगा। हाँ बैठा रहेगा, जैसे जैसे बेहोशी में गया तो गिरेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, वो गिर जाएगा, ऐसा होगा तो गिर जाता, मैं गिर गया था खुद, हाँ, गिर भी तो सकता है, मैं एक दिन गिर गया था इधर मेरा अनुभव है, तू ठीक नहीं है, वो तो मैं वहीं थी, हाँ तो उस हाल तो मैं गिर गया, मेरे को होश नहीं रहा और मेरे शरीर में चोट आई हारमोनियम से और टंका हो गया, तो मेरे को होश नहीं था उस वक्त, तो वो मेरा वो जो अनुभव था वो इससे पहले भी हो चुका है मेरा, ये हालत मेरी एक दफ़े लाल किले में हो चुकी थी, मैं पंडित फकीर सिंह जी पास गया था, उन्होंने मेरे को सत्संग दिया, कहने गया तेरी मंजिल ये थी मंजिल आ गई है पर तेरे प्रारब्ध कर्म बहुत है और अभी जो तेरा सफ़र तो है थोड़ा सा और तेरी ज़िंदगी है बहुत लंबी चौड़ी, और जिंदगी बताया प्रारब्ध कर्म के आराम से बताया प्रारब्ध कर्म तेरा बहुत ज़्यादा है तो तू कुछ करना नहीं, अब उसका अनुभव करते रहना, जहाँ भी होता है थोड़ी देर अनुभव कर दिया थोड़ी देर और बाकी रह गए, अब मेरे बस की बात ही नहीं, ऑटोमेटिक कभी अनुभव में आ जाता हूँ और कभी वैसे हो जाता हूँ कभी आ जाता हूँ आ जाता हूँ। तो वो जो अवस्था है आपकी वो मुक्त अवस्था है, ये मुक्त अवस्था का लक्षण कहाँ से आने लगे जाएंगे, जब आप सुर शब्द के साथ आ जाएगी
उस वक्त ही आप गुणावन लग जाए, तभी तभी क्षमता आ जाएगी। तब स्थित प्रज्ञा कहते हो ना आप, कि हमेशा एक स्थिति में रहता, तो उसके लक्षण आ जाएंगे, पूरा नहीं आया अभी, उसके लक्षण आप आ जाएंगे, क्यों क्षमता और कोई है तो है नहीं वहाँ पर, सिर्फ एक धार है। तो आप बात बात करेंगे, बात तो देखेंगे ठीक है। और ये जो है ना रूसा मन्नी नाराजी झगड़ा, ये आप करेंगे ना, मन की एकाग्रता है, तो जो आते हैं मैं क्यों करूँगा, दोस्त ऐसे नहीं होगा, मतलब किसी के डायरेक्ट साइड नहीं देखोगे, ब्राइट साइड देखो, और यहाँ पर जाके डायरेक्ट ब्राइट दोनों को खत्म कर दोगे, ये वो खेल कर डाक उसका खेल। अब पूरी तरह तसली नहीं हुई, पूरी तरह तसली उस दिन होगी जिस दिन आप उसमें मर्द हो जाओगे और जाके फिर गुरु से पूछोगे कि आज मेरी आज ऐसे, तो कहता मुझे तेरी मंजा आ गया, अब तेरे साथ तो तू जीव कैसे ऐसे जी, तो 100% नहीं जी इसको फिर। जब जब मुझे कहा 1962 में, तो क्या मैं 100% ना पधारो सजे ही दोनों होता चलते फिर हरदम घटके वहीं सूरत से मिला हुआ, बाकी सब कमियाँ थी अपने आप दूर होती गई। ये अपने आप सोता है क्यों कर तू, क्यों करे विवेक था तेरे, क्या है घर में गया तो 100% नहीं था, आता था ये सब चीज़, और 100% अब भी नहीं है, अभी कभी कभी होश पा जाता हूँ थोड़ा सारी बात कर फिर समझ जाता अपने आप, इन बातें वो टूटता नहीं। तो ये अवस्था है जो आदमी जीवित मुक्त होता है, और जीवित मुक्त जो बार का पुरुष समझाएगा तब समझेगा वो, नहीं उसको पता ही नहीं चलेगा क्या मुक्त है क्या बंधन है, किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है। उधर फिर वो कहेगा तेरा कोई बंधन बंधन नहीं है, तू जब जीता है तब तक शिवाय उसके और किसी को बंधे वो ही है, सब के अंदर कीड़ी हाथी दृष्टि बदल देता है, दृष्टि ऊंची करे जो प्राणी सार समझ आवे, सार पाए सरागता आवागमन सार, तो दृष्टि ऊंची करता रे बाहर के गुरु की महिमा, और गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, फिर कमाई की जरूरत को नहीं, ये बात है वो गुरु मिल गया कमाई की जरूरत नहीं है, क्यों ज्ञान ही मिल गया कि सब कुछ लीलाई उसकी है, तो फिर बाद में तेरे को क्या करना, इसका नाम है गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, फिर ज्ञान ही मिल गया समझ मिल गई कि सब उसी की लीला, कुछ है ही नहीं मेरा, तो बाहर जो देखेगा तेरी दृष्टि हो जाएगी, सब जितनी जिंदगी काटेगा उठ जाएगा नहीं किसी चीज़ में, रुसेगा नहीं, बेटी बेचारा होगा काट देगा फट दे, संस्कार दंग होनी है 100 साल खुदा, पर बबेगा नहीं वो, न किसी के शब्द के पीछे जाएगा, न किसी प्रकाश के पीछे जाएगा, न किसी किसी चीज़ के पीछे जाएगा, न किसी शक्ल के पीछे जाएगा, स्थिर रहेगा स्थिर अवस्था, ये जीते मुक्ति का अवस्था है। और ये जो देता तो वो उसकी उम्मीद करी जा सकती है, अंत समय वो इधर उधर का ख्याल नहीं है और वो उसी के अंदर जाएगा, सहज ही दोनों होते हैं हरदम गठिए वहीं सूरज शब्द मिला बे, अंत समय वगैरह वो शब्द आ जाता है प्रकाश, सब शब्द आ जाता है अनुभव, प्रकाश की सत्ता नहीं है यहाँ, तो समझो कि आप उसमें मर्द हो जाए, ये सत्संग है मेला पूरा, इस मेले के पूरा ये सत्संग साधन ये वो अपने आप तरीके से लोगों ने बताया। अब यहाँ पूछने की अवस्था है कि गुरु नानक देव ने कहा कोटन में कोई देख देना निश्चित, उसे साफ बता दिया कोटन के करोड़ों में से कोई एक दो है जो हमें सदा निश्चित रहता है, लगे रहते पूछेंगे सब ये बता दिया, जो उधर को मुँह कर दिया ने वो सब पूछते हैं, सब न जाए चाहे न जाए खुद जाए टाइम लगेगा उसको ना, कई जन्म जाएगी कई जन्म देगा। तो ये सत्संग है, तो आज का सत्संग तेरे को क्या दिया है, ये पहले भी दिया तेरे को, पर तेरे को बताया कि जब तक बाहर का गुरु इसको नहीं समझाएगा तब तक वो मुक्त हो नहीं सकता, तो गुरु माने ज्ञान का है, उसको ज्ञान नहीं देगा। तो आखिरी शब्द की दो कहते ना नाम ले लिया ठीक हो, गुरु की क्या जरूरत है, हवा खाओ हवा खाओ, इस ज्ञान की जरूरत है। आखिरी टाइम पर वो किसे कन्फर्म तो करेगा, ये हाल तो ही तुम 1962 में कन्फर्म गया राजीव में से बैठे बैठे ऐसे हो गया बेहोशी में चला गया ऐसे ऐसे हो गया, तो उनका एक तरह सहज बन गया अवस्था मंजिल यही है, पर फिर प्रलोभ बहुत है तो उठाना पड़ेगा, तो उसमें जाए अनुभव कर लेगा और साथ जलाता रहेगा। तो आजकल तो अनुभव गुरु है ही नहीं, फिर जीव कैसे पार होते हैं, तो अभी कितने पूछे कितने तो बहुत कम है, तो कम ही है पता है, पर बता तो रहा है गुरु नानक देव और तो ज्यादा गौर नहीं करे ऐसे बताते नानक नदरी नजर हाल ये बताया, उसने इशारा कर दिया गया मामूली कोई ज्यादा लंबा कौन सा नहीं इसका, मैं और क्या कहता हूँ कौन समझेगा मेरी बात को, मैं क्या कहता हूँ हमेशा कभी मैंने पापड़े नहीं बेली, मैं पहले ही यहाँ पर इस अवस्था पर आ गया अलग पर, मुझे पता नहीं था उस वक्त, पता देने के लिए मेरे को साथ साथ ये ज्ञान ये महाराज ये सत्संग है ना याद तेरे ये आप ही लगा दिए, मैंने तो पता भी नहीं था, उन्होंने पत्रिका लगा दी कि पत्रिका हमेशा शिव साहित्य मंडल से निकलती है ना अलीगढ़ से डिविजन मित्र को, इसके नाम ये पत्रिका आती रही कहीं भी हो
कश्मीर वो होते हैं जहाँ भी यूनिट होती है। एक आप यूँ कहते हैं जो ऊपर पहुँच जाता है उसको सिद्धि नहीं होती उसमें, सिद्धि तो उसमें ऑटोमेटिक सिद्धि ज्यादा होती है उसमें, पर मैं कहता हूँ सिद्धि में उड़ जाए को नहीं, वो नहीं उड़ता नहीं है, लेकिन फिर जब उनके दर्शन का ही लाभ है ऑटोमेटिक बता तो रहे तेरे को रामायण सोवर तो बताया तेरे को ऐसे आदमी का दर्शन से ही लाभ है। तो है किसको किसको मान देव नहीं बीत का लेव, जो मानता है उसके लिए तो है सब कुछ, अन्य मानता कुछ नहीं, शक्ति अतिरम भी है शक्ति तो एक्सेप्ट करी करें तो कुछ मानत देव नहीं तो बीत का लेव, सिद्धि है उसमें जो श्रद्धा करी जाता है उसके मुझे वही बात निकल जाती है उसे बोलेगी हमेशा हो ऐसा होनी चाहिए ऐसी पहचान उसकी ये है कि उसका जूता भी मारा जाए ना तो वह अलग आने गद्दी पर बैठे ना वो बैठे मुक्त जीता तो चाहे कोई चार जूता मारते बोले एक और मार ले भाई वो जानता तेरे बरसा थोड़े तो बैठे सेवा करे सेवा का मामला मेरे देखा था मेरे आया था इस तरह करने की बेटी करने इसके बस की बात नहीं है समझे कि नहीं मेरे ठीक मारे आज चार ही मारा ज्यादा कोई मारा दुखी को नहीं होगा दुखी होता वो यहाँ गुरु का दास सदा विलास त्रास नहीं कभू सदा विलास उमंग ये और जब तक रुस्सा में नहीं करे है डेढ़ पर करे विषय की बात नहीं सभी करते आए आप ग्राम करा गुरु से बैठे रोटी कोई फल दो तो एक दिन को नहीं खा आम ही हो जाएगी तो वो तो आजकल मार बैठे प्रकृति ज़्यादा पड़ गई बढ़ गई ज़्यादा वो खड्डी हो रहा थोथा मैं बता तो रहा हूँ कि बीमारी वह है इसकी कामुकता की शक्ति निकल गई चरित्रा स्वभाव हो गया वो सारण दे गया और अगर ज़्यादा नहीं निकल आए तो सारे पति साथ साथ रहे जी खिंच जा रही है आ जाते हैं बैठते बात करते हैं चल सारे दिन खिंचा रहेगा दोनों कामुकता नहीं भोगे तो दोनों खिंचे रहेंगे मरते दम तक समझिए कि नहीं पर ये खाला का घर नहीं है ये तो घर प्रेम का खाला का घर ना ही शेष उतारे भूमि धरे तब बैठे सब छोटा बन जा छोटा बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज है तो गला आएगी तो समझ आई अगर तो ये सत्संग ये है कि उसकी क्वालिफिकेशन ये है और इसका मंजिल ये है मंजिल कहाँ है कि वहाँ पर कुछ नहीं है जो आप परमात्मा है तो उसकी लीला उसमें मिली गया विकसित हो गया हवा की हवा कुछ सोचती सोचती है वही रूप हो गया एक तरह हाँ वो प्रकाश आता प्रकाश को सोचता है कि उसकी प्रकृति देन है रूप ही वही वो रूप बन गया इसलिए रूप बन जाता है। अरे इसकी महिमा बताइए ज्ञान तो देने की महिमा बताइए पहले रामायण के अंदर बताइए लेकिन कम वक्त तो खोली नहीं अच्छा तो नहीं पता नहीं होगा बाकी बताइए तुलसीदास जी ने बता मम दास नवदा भक्ति में सब कुछ आ गया उसने कसर नहीं छोड़ी है नवदा भक्ति में और लोग सुने भी कौन इसकी व्याख्या जानता है और 16 संस्कार में सब कुछ आ गया कोई कसर कौन छोड़ी है आदमी संस्कार जो दिए 16 गर्भाधान संस्कार गर्म आके माँ को बताया ये सोचेगी तरह से बच्चा सोचेगा माँ से खाना खाता उसके खून से बनता है ये होता है वो होता है आई समझ बात तो आज का सत्संग काफ़ी है ना तो ये सत्संग है बिन सत्संग विवेक न हो ही राम कृपा बिन सुलभ बिन सोई अब ये सत्संग हो या तेरे भाग है कोई मैं तेरे पर मेहरबानी करने के लिए नहीं देने के लिए आया हूँ मेरे कोई किसी धर्म के कर्म है जो मेरे खुद के कर्म थे जो मैं कहीं गुरुआई करी होगी ज्ञान दिया को नहीं होगा और इसलिए मैं चाहती है करियर कर रहा हूँ तेरे को इतना सत्संग सुनने के बाद तो मेरे को लिफ्ट कर जाना चाहिए कैसे कर जाएंगे तो प्रारंभ तो हो गई को नहीं ये बातें कर जाएंगी तो लेके आए वो तो कर्म हो गए उसको बता रहे हैं वो कुंटल है वो तो करते रहे लेकिन नए नए मत बनाओ भी कोई भी नए मत बनाओ सम अवस्था में रहो कि जो हो यू अच्छा है जो है अच्छा हो गया ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए ऐसे मत करो सोचो नया ज्यादा नया बना लोगे ना तो नया भी कर्म तो कर्म ही है कर्म गति तारी नहीं तरह तो ये बनाओ बचना नए बोलो जो होया वो अच्छा जो होगा अच्छा बस ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसे में सोचो अकेला मत करो विचारों से बस ये आज का सत्संग मैंने शुरू से एक मंजिल का बता दिया।